Hello dear students, today we are going to learn about standard 4th subject English. Our topic is A Visit to a Garden, page number 74 and 75. Students, of a garden. See, let's start today's topic. A Visit to a Garden. Chaliye. Children of class 4th B went to a big garden for a picnic. At the gate, they saw a big board, the name of different parts of the garden were written on the board, one below the other. Children of class 4th B went to a big garden for a picnic. Class 4th B के बच्चे पिकनिक के लिए एक बड़े बाग में गए. At the gate they saw a big board. गेट पर इन्हें एक बड़ा सा बोर्ड नजर आया. At the gate the name of a different parts of the garden were written on the board. जिसके बोर्ड पर बाग के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखे हुए थे. वन बिलो द अदर, एक के नीचे दूसरे कई लंबी फहरिस्त थी. वन चिल्ड्रन सेड, वेयर शेल वी गो फर्स्ट, समवन आस्क. हम पहले कहाँ जाएंगे, किसी ने पूछा. टू द लेक बोटिंग, मैनी चिल्ड्रन सेड. झील की तरफ, कई सारे बच्चों ने कहा. झील की तरफ, वहाँ हम बोटिंग करेंगे. बट हाउ डू वी गो देयर, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे. सी द मैप ऑफ अ गार्डन हेयर, देखो वहाँ का नक्शा यहाँ है. वी विल सी द मैप एंड फाइंड आवर वे टू द लेक. बच्चों ने कहा कि नक्शे में हम देखेंगे कि झील की तरफ कौन सा रास्ता जाता है. द टीचर टुक द चिल्ड्रन टू द लेक फॉर बोट राइड्स. नाव की सैर के लिए टीचर ने उन्हें झील की तरफ ले गई. देन दे सैट अंडर अ ट्री टू ईट समवन स्नैक्स. तो बच्चे एक झाड़ के नीचे बैठ गए खाने के लिए. देर वॉज Another big board near the tree. There was a chart on the board with pictures of a tree in it. वहाँ पर उन्हें करीब में ही एक और बड़ा तख्ते सिहा नज़र आया, एक बोर्ड नज़र आया. There was a chart on a board with a picture of a tree in it. दरख्त और उनके नाम की फहरिस्त वहाँ लगी हुई थी, और वहाँ पर जितने भी दरख्त है उनके नाम और उनकी तादाद वहाँ पर लिखी गई थी.